नंबर प्रश्न देखा जाए 23.43 को पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया। चुनाव में तो रिकॉर्डिंग है नहीं, ना रिकॉर्डिंग नहीं है, कभी नहीं है, तो हम इसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये तो आसान है, यहाँ से दशमलव हटा दिए तो 2300 कितना हो गया 43, अब बट्टा देखिए दशमलव के बाद दो अंक है तो 100 कर दीजिए, यही आंसर 2343/100। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, मतलब ऑप्शन मिला लीजिएगा अपना, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलो 10 नंबर देखो, ₹13,946 आवाज संख्या का जो लौक नहीं रहा है, लौटता है कि दिखता है। 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, योग n है, तो कह रहा है कि तो n हमेशा भाज्य होगा कौना से, कौना से भाज्य होगा, भाई देखिए इसको पढ़िए, कौना से कटेगा, विभाज्यता का नियम याद है, अंत में 0, 2, 3, 4, 6, 8 रहेगा, तो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो कितना से, 2 से, तो 2 से कट रहा है, 3 से नियम होता है सबको जोड़ लीजिए, 1, 3, 4, 9, 13, 13, 8, 21, 6, 27 मतलब 3 से भी कट जा रहा है, ठीक है, जो 2 और 3 से कट जाता है कितना से कट जाता है, 6 से कट जाता है, तो 6 से आया, 4 से नियम है तो 4 से देख लीजिए, 4 से होता है कि इकाई होता है, 1 से बनी संख्या 4 से विभाजन होना चाहिए, 4 से कटेगा, 4 दुनिया 8, 6 नहीं कटेगा, 4 से मतलब 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 8 से नीचे करेंगे तो इकाई नहीं, सैकड़ा से बनी संख्या 3 गो से, 8 × 8 = 16 नहीं कटेगा, 4 और 8 से नहीं कटेगा, एगो दिया डी में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6, यानी कितना से कटेगा, 6 से कटेगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 11 नंबर कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमानों के बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो आर का मान क्या होगा, देखिए तो आर का मान क्या होता है, इस कंडीशन में हम लोग बता दें यूक्लिड का सिद्धांत जो है ए बराबर, देख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होता है, आर का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा बराबर का मतलब वही ना होगा 0 या 0 से बड़ा, और बी से क्या होता है छोटा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, सॉरी गलती है, लिख दीजिए 0 या 0 से बड़ा कौन होता है आर, और आर का मान होता है बी से छोटा, इसको देखिए जिस ऑप्शन में है वहां पे मिला दीजिए, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है, सी में है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 आर का मान जो 0 या 0 से बड़ा बी से छोटा, पर आर बराबर 0 हो, ध्यान दो इधर
ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर और आर बराबर जीरो हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस जीरो मतलब बी क्यू पर एच सी एफ क्या होगा एच सी एफ क्या होगा याद करिए ये हो गया आपका बी जो है इस प्रकार से भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है ठीक है तो शेष तो यहाँ पे जीरो था खत्म क्यू क्या है भागफल है बी क्या है भाजक है तो हमेशा एच सी एफ क्या होता है भाजक होता है ठीक है तो यहाँ पे एच सी एफ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एच सी एफ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है इसका ऑप्शन सही बी है हमेशा ध्यान में रहे कि भाजक क्या होता है एच सी एफ होता है जिससे लास्ट कटता है वही एच सी एफ होता है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि एक्स और वाई दो लगातार धनात्मक समकोणांक इस प्रकार की एक छोटा हो वाई से तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बट्टा दू के वैल्यू का हो दू को लगातार जो है देख लीजिए दू को लगातार कह रहा है दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक तो पहला अगर हम ले लिए दू तो दूसरा क्या हो जाएगा चार कह रहा है कि एक्स छोटा हो वाई से एक्स छोटा हो वाई से वाई बढ़ता होगा एक्स छोटका होगा अभी दोनों को जोड़ देंगे या दू से भाग दे देंगे तो दू को चार गो बारह गो छो गो छो ना द्वितीया छो सम आया कि विषम 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 मान लीजिए आप सनवा में देख के बी ऑप्शन सही है चलिए प्रभाव देखते हैं अरे 14 नंबर अच्छा 14 दिन दिल्ली दूर है 35 पे जाना है सवारी गाड़ी में जा रहा है एक्सप्रेस पकड़ना पड़ेगा कह रहा है पी क्यू दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक ठीक है मान लिए एक का एगो मिला तीन हो जाएगा का समझ में होता है मन कर ले सफा हम लेडी के गोजी उठा कर दे टीका तो पहले बड़ा सफा बुझा था कि बाबा रामदेव के चेला बाबा रामदेव के को अमासा रामा को सब चेला है राम रहीम के चेला कौन तो होंगे कह यस सर सीना फुला के चलिए कहता कि पी माइनस की बटा दू पी बड़का है तो बड़का पी है तो क्यू हो जाएगा हमें से हमें घटा दिए पी माइनस क्यू बाई दू तो तीन माइनस एक बटा दू तो दू बटा दू कट दे तो कथी है एक है ना तो विषम आ गए हो गया विषम तो ऑप्शन मिला लीजिए बी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बी पर 15 नंबर देखिए छपना हुआ का तो छपाक मार दल हो गए मार दे वो कम से कम एगो रही कॉपी पर छापा छो देखो 15 नंबर और ये बी लगातार दो इस प्रकार की ये छुटका हो बीस से ठीक है दो को धनात्मक ये तो ऐसा क्वेश्चन आया था बी समय हुई ऐसा क्वेश्चन तो अभी आया था ना अच्छा माइनस में था अच्छा बना देते हैं देखिए इधर 15 नंबर कह रहा है ये बी दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक एक और तीन ले लिए कह रहा है ये छोटका है और बी बड़का है तो दोनों को जोड़ लीजिए और दो से भाग दे दीजिए तो चार बटा दो दो से भाग कटी तो दो मरतबे कट जाए तो दो सम आ गया ठीक है आंसर आपका क्या दिया हुआ ये ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन चलिए 16 नंबर देखिए दो रूट दो है
इसके बारे में क्या राय है आपका? देखो आप परिमेय है तो आप परिमेय आंसर में लिख लीजिए, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है।